पूरा मार्केट इस तरफ। तो ये जामा मस्जिद का गेट है और गेट के थिकनेस वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, लगभग 6-7 इंची के आसपास। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद, तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आए तो थे हम कश्मीरी गेट के लिए, अभी यहाँ से हम निकलेंगे जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद के बाद अभी मुझे यहाँ से बस मिलेगी, तो उसके बाद ही मैं फिर दूसरा ऑप्शन देख पाऊँगा कि हाँ। तो हम आए थे दिल्ली सिक्स, और दिल्ली सिक्स का नज़ारा कुछ ऐसा है। बारिश हो रही है और रुके हैं, और हम यहाँ पे फिर चाय वाय पी लेते हैं। तो लाजपत राय मार्केट के जस्ट बगल में भैया चाय बनाते हैं, और चाय आप देखो, और लोग देखो, बारिश से बचने के लिए काफ़ी क्राउड है और सब लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। बारिश ने माहौल ख़राब कर दिया है, एक्चुअली वर्किंग टाइम है। अभी चाय आ चुकी है और चाय का मज़ा लेते हैं। और बारिश का तो फुल एकदम बढ़िया वाला सीन है इस तरफ। पहुँचे नियर जामा मस्जिद, तो सोचा कुछ खा लें। तो यहाँ पे दिख रहे हैं भटूरे, और कंप्लीट भटूरे ओनली 30 रुपीज़। कभी भी आएँ तो नियर जामा मस्जिद के पास आपको मिलेगा। और छोटी शॉप है और भटूरे तैयार हो रही है। थैंक यू भैया। तो लेट्स गेट स्टार्ट, और अब हम यहाँ से निकलते हैं जामा मस्जिद की तरफ। ये बारिश ने तो पूरा माहौल हिला दिया है, चारों तरफ देखे कीचड़ ही कीचड़ है, और जो भी स्ट्रीट फूड है वहाँ पे अब शुरुआत हुई है भीड़ की। तो अभी एंट्री हुई है मेरी दिल्ली सिक्स में, दिल वालों का शहर, और जितनी भी शॉप्स वगैरह वो अभी खुल रही हैं। ये वो सबसे पहले एक बायोमेट्रिक मिलेगा जिसको हमें क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद सीधा अंदर, और ये एक छोटा सा तालाब बन गया यहाँ, क्योंकि बारिश जो हुई है उससे यहाँ पे तालाब बन गया है। और अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे उस तरफ से अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ से जाने के बाद सीधा मुझे ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ से भी एक प्यारा सा व्यू है जामा मस्जिद का, वो आपको दिखाता हूँ। जामा मस्जिद में अगर आपको एंट्री करनी है तो स्ट्रीट फूड वगैरह तो यहाँ पे मिल ही जाता है, आपको जो मर्जी खाना है वो खा सकते हैं। और एंट्री अगर आपको करनी है तो स्लीपर आप यहाँ पे है ही, पहले यहाँ पे आप स्लीपर सबमिट कीजिए, उसके बाद ही एंट्री होगी आपकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जामा मस्जिद पर टिकटॉक बनाना मना है। तो अगर आप देखेंगे तो दरवाजे बहुत शानदार कार्विंग की हुई है, और आज तो आप देख ही रहे हैं ये छोटे से बच्चे। वो कहाँ जा रहे बच्चों, पानी लेने? तो अभी नमाज का टाइम हो चुका है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने हाथ पैर धो रहे हैं, और हाथ पैर धोने के बाद ये लोग सीधे इबादत के लिए जाएंगे। और कुछ ऐसा नज़ारा है हमारा जामा मस्जिद का।
पीछे की तरफ जो विंडो है यहाँ पे, एक ये जो पीछे की तरफ जो विंडो आपको दिख रही है, तो यहाँ से पूरा मार्केट आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए शायद ये क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ जाते थे, तो उस चीज़ से बचने के लिए इन झरोखों को अभी बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल के गेट लगे हुए हैं, और अगर एंट्री की बात करें तो यहाँ से एंट्री होती थी पहले, लेकिन अभी इन्होंने लॉक किए हुए हैं। जैसी कोविड की सिचुएशन खड़ी होती है तो ऑटोमेटिक ये गेट फिर से खुल जाएगा, और उसके बाद फिर से यहीं पर हम लोग अंदर जा सकते हैं। और रोकी तो जामा मस्जिद के चार गेट हैं, एक गेट हमारा वो एक गेट उस तरफ है, दूसरा गेट हमारा ये रहा, और तीसरा गेट जहाँ से हमने एंट्री की एक ये रहा, और एक गेट हमारा पीछे की तरफ है। मेन मस्जिद की बात करें तो मेन मस्जिद यही है जहाँ पे इबादत और नमाज़ और जुम्मे की नमाज़ और सारी नमाज़ यहीं पे पढ़ी जाती हैं जो मेन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ एक एक जो स्टोन रखा हुआ है, जो भी आप स्टोन देख रहे हैं ये कलमा पढ़ के रखा गया है। तुर्ती के लिए आप देख सकते हैं कि इसके ये जो दो मीनारें आपको बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, और तीन गुम्बद भी हैं। और कार्विंग की बात करें तो टोटल ग्रेनाइट है, कम्प्लीट ग्रेनाइट पर इन्होंने कार्विंग वगैरह की हुई है, और बहुत शानदार कार्विंग है। अंदर तो शायद हम लोग नहीं जा सकते फिलहाल, क्योंकि नमाज़ का टाइम है और सबको डिस्टर्बेंस होगी, तो नमाज़ के लिए हम लोग नहीं जा सकते। जामा मस्जिद आएंगे तो काफ़ी सुकून आपको ऑटोमेटिक फील होगा, स्पिरिचुअल जगह है तो पॉजिटिव वाइब्स आपको ऑटोमेटिक आएगी। कार्विंग देखिए, नेक्स्ट लेवल कार्विंग है। ये खासियत ये भी है कि यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर आ गया तो भाई उसे पकड़ लिया जाता है, और उसके साथ इतनी फ़ोटो खिंचाई जाती है, इतनी फ़ोटो खिंचाई जाती है कि वो बंदा ये बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तो मैं इंडिया नहीं आऊँगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे पीछे हो रहा है अगर आप लोग देखें तो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप मीनार की टिकट लेंगे तो मीनार की टिकट आपको उस तरफ से मिलेगी, और वहीं से आप मीनार के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग वहाँ चढ़े हुए हैं मीनार के ऊपर, जो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ कुछ लोग वहाँ पर हैं, और टिकट लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं कितने की टिकट है, क्या टिकट है, एक बार वो भी पता कर लेते हैं। 15-20 मिनट पहले यहाँ बारिश हो रही थी, और अभी बारिश होने के तुरंत बाद ही यहाँ पब्लिक देख सकते हो, क्या पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। पूरा फुल हमारा जो जामा मस्जिद है पूरा फुल हो गया है, और मीनार टिकट तो हमें इस तरफ ही कहीं जाना पड़ेगा, तो उस तरफ जाते हैं और पूछते हैं मीनार टिकट कहाँ पर है और कितने की है, तो एक रेट का आइडिया अपने को लग जाएगा। अगर मीनार काउंटर टिकट काउंटर की बात करें, टिकट काउंटर इधर है, टिकट का चार्ज बोल रहे हैं 50 रुपीज़। अगर 50 रुपीज़ टिकट के बाद आप उस तरीके से मीनार के ऊपर जा सकते हैं जैसे कि वो लोग आप देख रहे हैं, तो कंप्लीट मीनार के ऊपर आप विज़िट कर सकते हैं 50 रुपीज़ के बाद, 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे दाना वाना रखा हुआ है, आप देखोगे कंप्लीट दाना पड़ा है, और ये पानी वगैरह कि भाई यहाँ पे अगर कबूतर वगैरह आए तो वो पानी वानी पी लें, और लेकिन क्योंकि बारिश हो चुकी है तो सारा दाना पूरा भीग गया, इधर सब भीग गया है, और कबूतर तो सब गायब ही हैं, वरना यहाँ पे पूरी एकदम भीड़ रहती है कबूतरों की। और अगर बात करूँ लाल किले की, तो आप इस जाली के पीछे देख सकते हैं कि पूरा लाल किला यहाँ से दिख रहा होगा। जामा मस्जिद से निकल चुके हैं, अब हम जाते हैं आगे की तरफ, लेकिन यहाँ बहुत क्राउड है यार, बहुत भीड़ है, और गर्मी का तो तुम्हें पता ही है कि नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है इस तरफ। तो आई होप जामा मस्जिद की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब तक के लिए बाय।